डर को गायब करने का तरीका, इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए क्या होता है कि काफी लोगों को फोबिया होता रहता है, बहुत सारा डर, बाहर निकलने का डर, मार्केट में जाने का डर, मॉल में जाने का डर, लोगों में मिलने का डर, स्टेज का डर, ऐसे काफी सारे डर लगे रहते हैं कि इसको हॉस्पिटल में जाने का डर, बीमार आदमी को अटेंड करने का डर, या फिर किसको पैनिक अटैक आते हैं। और पैनिक अटैक मतलब उसको ऐसा लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगा, अभी अटैक आएगा और मैं मर जाऊंगा, उसको धड़ 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 हो जाएंगी, हाथ पैर कांपेंगे, पसीना आएगा, और ऐसा जोर से अटैक आ जाता है 2 4 5 मिनट 10 मिनट, तो उसको लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगा। अब होता क्या है कि ये डर को हम टालना चालू करते हैं कि नहीं भाई वो सिचुएशन नहीं होना, वो सिचुएशन में मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, तो सिचुएशन में मैं जाऊँगा नहीं। तो समझो आप सिचुएशन में जाते नहीं हैं, तो आपको ठीक तो लगता है कि चलो भाई डर तो हमने टाल दिया, मगर हुआ क्या, एक्चुअली आप तो वहां से खुद भाग के जा रहे हो। डर तो वैसी है, मतलब एक आधे कमरे में चूहा मर पड़ा हुआ है और वहां आप स्प्रे मार रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मगर चूहा मरा हुआ है उसकी बदबू तो वैसी कायम है, ऊपर से स्प्रे मार दिया थोड़ा अच्छा लगा फिर बाद में बदबू आना शुरू हो जाती है, वैसे ही है डर का, फिर डर आ जाएगा, फिर क्या होगा, डर धीरे 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 डर फैल जाएगा। पहले कोई बीमार आदमी है वहाँ जाने को डर लगता है, तो अभी हॉस्पिटल जाने का डर लगेगा, फिर कहीं अंत यात्रा में जाने का डर लगेगा, तो फिर मार्केट में जाना है तो वहाँ डर लगेगा, या फिर लोगों के सामने जाने का डर लगेगा। तो फिर आपको करना क्या है इसके लिए, इसके लिए एक तो ऐसा है कि एक तो आप दवाई लो जिससे आपको तुरंत फायदा हो जाएगा, जहाँ एक्सपोज होना है अपने आप को, जहाँ जाना है वो टालने का नहीं है, एस्केप नहीं करने का है, वहाँ गोली खाने की है, और गोली खा के आधा घंटा पहले गोली आप खा लेते हो, वहाँ चले जाओ, वहाँ फेस करो, तो फिर धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर एक, गोली खाना नहीं है तो फिर वो डर को फेस करना है आपको, भाग के जाने का नहीं है, क्योंकि आप जितना भागोगे उतना वो ज़्यादा टिकेगा, वॉट एवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट, वहीं रहता है वो, तो इसलिए उसे भागना नहीं है, वहाँ उसको फेस करना है। हाँ ऐसा हो सकता है कि आप धीरे 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 उसको डिसेंसिटाइजेशन कर सकते हैं, मतलब जो कुत्ते का डर है तो कुत्ता दूर से देखना, एकदम एकदम दूर खड़े रहना, देखना, फिर धीरे धीरे अपना डिस्टेंस जो है वो कुत्ते से वो कम करते 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 जाना, तो फिर वो डर धीरे धीरे निकल जाएगा, डिसेंसिटाइजेशन उसको बोलते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, मगर भाग के जाने का नहीं है। बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आ रहा है तो गोलियां खाओ टेम्पररी, वो भी, वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और दूसरा परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो है विजुअलाइजेशन करना हिप्नोथेरेपी में, और जब हिप्नोसिस खुद को करते हैं आप विजुअलाइज करते हो, और विजुअलाइजेशन करके वो डर को हम एक्सपोज हो रहे हैं, वो डर को मैं फेस कर रहा हूँ और एकदम रिलैक्स हूँ, ऐसा पैराडॉक्स जब देखते हैं आप, तो धीरे 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 डर खत्म हो जाएगा। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक रात में डर निकल जाएगा, क्योंकि डर बनने को भी तो टाइम लग गया, अब निकलने को टाइम लगेगा, तो धीरे 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 हो जाएगा। सब्र करो, आराम से प्रैक्टिस करो, विजुअलाइज करो, डर गायब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।